वेलकम बैक टू माई चैनल, माई नेम इज़ इमानी एंड यू आर वॉचिंग फर्स्ट क्रम्स में बेबी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे एंड जितनी भी मैरिड लेडीज़ हैं उनकी करवा चौथ की तैयारी स्टार्ट होने वाली होंगी या हो चुकी होंगी। हम लोगों की अब स्टार्ट हो गई है, लाइक हम लोगों ने डिसाइड कर लिया हम लोग कौन कौन सी साड़ीज़ पहनेंगे, आउटफिट पहनेंगे, और साथ ही साथ फेशियल मीनाक्षी का अभी तक हुआ है क्योंकि फेशियल भी कराना ज़रूरी है। चांद इतना सुंदर लगेगा परसों के दिन, तो हम तो उनसे कम नहीं लगने चाहिए, लाइक बराबर के होने चाहिए। और मैंने किसी का सुना भी था कि चांद, पता क्या लेडीज़ का जो रूप होता है ना वो चांद का होता है। मिनी ने बताया था, मैं एक यूट्यूबर है, उसने बोला जैसे हर तरह का चांद की शेप्स होती है ना, ऐसे ऐसे हम वुमेन की भी हर तरह की शेप होती है। तो हम लोगों को कभी भी अपने आप को कम नहीं सोचना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, चाहे किसी भी शेप की आप वुमेन हो, किसी भी शेप कलर की वुमेन हो। तो ये सब चीज़ भी, मतलब हम वुमेन का जो प्रतीक है वो चांद है, और बल्कि चांद छोटे में बचपन में चांद मामा कहते थे, बाद में बड़े होके हम लोग अब उनकी पूजा करते हैं। तो कुछ भी हो, मून बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है मेरी लाइफ में, और इसीलिए हम लोग चांद को देख के व्रत भी तोड़ते हैं करवा चौथ वाले दिन। तो अभी फिलहाल मैं आपको आउटफिट दिखाती हूँ, ज्ञान नहीं बांटती क्योंकि मुझे खुद ज़्यादा ज्ञान नहीं पता है, ज्ञान नहीं आता है। तो हम लोग जो फेशियल करा रहे हैं वो हो रहा है, एक सेकेंड, ये लैक्मे का डायमंड वाला पैक है, डायमंड फेस पैक। तो हाँ, फेशियल किट है, स्किन लाइटनिंग फेशियल किट है, और मीनाक्षी का हो चुका है, दिखाती हूँ उसकी लाइटनिंग हुई है क्या फेस पे, देखना हो रखी है कल तक और रंगत आ जाएगी मेरी और शिखा की रह गई है, होने वाली है, अभी होने वाली है। फिलहाल आप लोग आउटफिट देखो, सबसे पहले मैं आपको अपनी आउटफिट दिखाती हूँ, क्या आउटफिट नहीं मतलब साड़ी, साड़ी क्या पहन रही हूँ, और चलिए देखते हैं। ये रेड और ग्रीन कलर की साड़ी पहन रही हूँ जिसमें नीचे बहुत हैवी वर्क है नेट वाला, और इसका ब्लाउज़ भी रेड एंड ग्रीन कलर का है, और ये बहुत हैवी साड़ी है, मैंने शादी पे ली थी अपनी, और गुजरात से ली थी, सूरत से। तो ये मेरी गुजरात का माल है, प्रेस होना है बस इसमें। आई थिंक आपको पिंकिश लग रहा होगा बट दिस इज़ बिल्कुल रेड एंड ग्रीन। तो दिस इज़ माई साड़ी विच आई एम गोना वेयर डे आफ्टर टुमारो, फोर्थ को है करवा चौथ, और उसके बाद हम लोग इसके बैंगल्स वगैरह भी सेट नहीं हुई हैं, तो जैसे जैसे जो जो होता रहता है आई एम गोना शो यू दैट। और इसके बाद हम आते हैं मीनाक्षी की साड़ी में, जो कि है ये, मीनाक्षी पूजा के समय पहनेगी पिंक एंड येलो कलर की साड़ी, क्योंकि मीनाक्षी को वैसे लहंगा का, पहले लहंगा हम लोगों ने डिसाइड किया था ना मीनाक्षी, और उसके बाद फिर मीनाक्षी को, क्योंकि उसने एनिवर्सरी पे लहंगा पहन चुकी है वो, तो उसका साड़ी पहनने का मन हो रहा है, तो शी विल वेयर दिस वन पिंक एंड येलो कलर की, बड़ी सुंदर सी साड़ी है, और इसका पल्ला कुछ इस तरह से, पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा आपको। एंड ये है हमारी ग्रीन कलर की शिखा की साड़ी, और बहुत ही हल्की साड़ी, मेरी सबसे भारी ओह शिट, बहुत हल्की साड़ी है शिखा की, बहुत लाइट वेट है और बहुत सुंदर लग रही है। और ग्रीन कलर का ये साड़ी है, ये पल्लू है, शिखा बताएगी बाकी, हाँ ये अंदर का प्लेन साड़ी। और इसके साथ हम लोग सब तीनों लोग, चारों लोग, मम्मी के भी डिसाइड नहीं हुई ना साड़ी, तो मम्मी की होती है तो मैं दिखाती हूँ, और लाल चुन्नी हम सब लोग पहनेंगे इनके साथ। तो ये है, और पिछले साल का अगर करवा चौथ का व्लॉग आपने नहीं देखा, क्योंकि उसमें शिखा भी थी है ना, लास्ट टाइम भी शिखा बाई चांस यहीं पे थी, तो ज़रूर देखिए, मैं इधर कहीं आई कार्ड में लगा दूँगी, तो ज़रूर देखिए। बाकी हम लोग अब फेशियल कराएंगे और साथ ही साथ बाकी तैयारी करते हैं, है ना। तक आप बाकी का ब्लॉग देखिए, बहुत सारा सामान आया, इवन इनफैक्ट अभी भी सुबह भी एक सामान आया था, तो इतनी जल्दी सामान कुरियर लेके आ जाते हैं, कल तो शायद से 7-8 बजे ही आ गया था और 8 बजे आ गया था, तो आज थोड़ा लेट है पर फिर भी सुबह ही है। और आज मेरा आया शावर कर्टेन, तो वो इकट्ठा हॉल करूँगी तो दिखा दूँगी, क्योंकि इकट्ठा अलग अलग से दिखाना बहुत टफ हो जाता है। तो होम सेंटर का काफ़ी सारा सामान आ चुका है, थोड़ा और आना है, बाकी ऑलमोस्ट आ चुका है सारा सामान। तो दिस इज़ इट, do subscribe to my channel if you're new viewer and hit the like button, और अब आप बाकी का आगे का vlog देखिए जिसमें हमने खूब enjoy किया है, and we are now 3K and plus and counting guys, तो congratulations to you and thank you all जिसने भी इस family को बड़ा करने में help करी है हमारी, I'm so glad that you are my family members and we are 3K plus and counting from home center।
इधर से भी फाड़ लो। सैनिटाइज कर दिया है। इनका बबल रैप्स बहुत अच्छे लगते हैं, इधर से साइड से फाड़ दो। बहुत अच्छे से बबल रैप करके भेजते हैं होम सेंटर वाले। इनके सामान भी कांच के होते हैं वैसे तो। बबल रैप कैंडल, अंदर देखेंगे। हाँ हाँ इसको तो अंदर देख लेंगे। सोप डिस्पेंसर, नक्शे का सामान, ये मेरे देखे मीनाक्षी ने भी सेम यही वाले डब्बे मंगाए हैं। मीनाक्षी को इतने पसंद आए है ना मीनाक्षी, होम सेंटर से। बाप रे बड़ा अच्छा है ना, साइज अच्छा है वाला, ये साइज ठीक है। हाँ इसमें हैंगर है। अच्छे कलर चले लेके। कुरियर आए नहीं थे और अभी इकट्ठे इतने सारे, आज ही इतने सारे कुरियर आ रहे हैं कि मेरे को डांट पड़ रही है फालतू की। और ये अमेजोन वाले होम सेंटर वाले तो इकट्ठा भेजते हैं, लाइक पूरा एक डब्बे में भेजते हैं, पर ये अमेजोन वाले एक एक करके भेजते हैं। तो आज कम से कम तीन पार्सल, तीन कुरियर वाले आए हैं और ये अब ये फोर्थ है, तो डांट तो पड़नी है। न्यू पार्सल फ्रॉम होम सेंटर, नहीं फ्रॉम अमेजोन। Let me discard this because this might have corona, which I have sanitized though, but still. And ये हमारे home center का पड़ा हुआ डब्बा खुला हुआ, तो what's inside it? यार आया नहीं, not for you. What it is? What Trishi? What are you saying? What? Trishika को एक और इंग्लिश वर्ड आया है। What it is? देखो फिनिश। Hold Trishika मम्मा के लिए। दादू सिंह लास्ट। क्या है? Stickers। See दादू सिंह लास्ट। This is last। देख लो दादू, देखो शी पुरुष है बस। Trishika फिनिश करेगी। Last। गंदो। Wait मम्मा वालों पर। यार सुबह इतना जल्दी कोरियर लेके आ जाते हैं यार ये। वेट 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 ओ पकड़ो घर से। तो ये हैं कंटेनर्स पे लगाने के, एंड इस पे चौक से लिखा जाएगा दाल, आटा, चावल, धनिया, नमक, मिर्च, गरम मसाला, साबुत धनिया, अच्छा है ना डिजाइन, तेज पत्ता, कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता तो नहीं रख सकते, चाट मसाला, त्रिशी का मसाला है ना त्रिशी, नाइस नाइस। अपने बालकनी का मेकओवर कर रही हूँ, किस तरह का लगेगा और जो मैं सोच रही हूँ उसके अकॉर्डिंग, तो लेट्स सी क्या होता है। लाइक मेरे पास ये बुद्धा स्तूपा है और वाटरफॉल है, तो उसको मुझे एडजस्ट करना है बालकनी में, तो कुछ DIYs करके या फिर आर्टिफैक्ट्स खरीद के आई विल मेक माई बालकनी लुक ब्यूटीफुल। कोई
Happy birthday to you. इस फ्रूट का नाम बताओ, हमें नहीं तुम्हें पता है क्या नाम है? हमें भी नहीं पता क्या नाम है इस फ्रूट का। कुछ इस तरह का है। ब्रंच की पार्टी आज सीरियसली ले लिया ब्रंच में पार्टी को। हाँ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करी हुई थी पिज्जा वाले भैया ने। डोमिनोज का ऐड है ना। व्हाट इज बेबी नेम? यार भोले श्याम, भोले श्याम स्लीप करा दो बेबी को। त्रिशिका का कल ये टॉय आया था, आज फुस कर दिया त्रिशिका ने सी। और मम्मी स्कूटी चलाना सीख रही है। मम्मी ने पहले भी सीखी थी, फिर लॉकडाउन की वजह से छूट गई। मम्मी और मीनाक्षी की दोनों की मीनाक्षी की कार छूट गई और मम्मी की स्कूटी। एंड नाउ दे आर फाइनली स्टार्टिंग, दोबारा से सीख रहे हैं। एंड देयर शी इज त्रिशिका। देखो मीनाक्षी तो जाती भी थी पहले और अब मीनाक्षी का भी छूट गया। एंड मामा भी चल दिया घर, सब भारे हमारे घर के लिए। बाय मामा, बाय। घर का अपडेट ये है कि फैन लग गया, कबर्ड्स लग गई, जाली वाले दरवाजे की तैयारी हो रही है। अभी दरवाजा नहीं लगा और बाकी फिनिशिंग चल रही है। तो लाइक इट विल टेक 5 to 9 days मोर जब हम शिफ्ट तो जाएंगे। उससे पहले पूरी कोशिश करेंगे शिफ्ट होने की, बट अभी इतना टाइम और लगेगा बिकॉज मेन जो काम है वो है प्लम्बर का, जो कि पॉट वगैरह बेसिन लग चुका है पर टैप्स नहीं लगे। और बाकी जो काम है वो है दरवाजे का, बिना दरवाजे के हम रह नहीं सकते उसमें। C and D. C D. मैंने कुरियर से अमेज़ॉन से मंगाया था नील कमल का डस्टबिन। खाओ क्या कहला है मम्मी पापा, चल ली ये लाए दूध। अच्छा है क्वालिटी, सब चीज अच्छी मिलती है लोकल मार्केट से। ये बोल ठीक है मम्मी, बोली वाले 75 ईच। ऑब्वियसली ऑनलाइन से सस्ता मिलेगा, ऑनलाइन में महंगे मिलेंगे ये वाले। ये बोल्स ना, ये ऐसी तरह के मैंने देखे थे, महंगे हैं पर उसमें सीजर्स नाइफ। और ये ट्रे देखो, सुंदर लग रही है। दिस इज इट गाइज, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो डू हिट द लाइक बटन।